हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं अथर्वा आज आप सबको दिखाने वाला हूँ बलेनो ZR 2021। इसके मेन कंपटीशन में कार्स जो आती है वो है टाटा की अल्ट्रोज और ह्यूंडई की i20। तो स्टार्ट करते हैं इसके ओवरव्यू से। तो कुछ इस तरह आपको की मिलती है फिनिश्ड एक पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, जिसमें आपको देख रहे हैं सुजुकी का लोगो। पीछे आपको मिलते हैं लॉक और अनलॉक के बटन। तो ये एक स्मार्ट की है जो आप कीलेस एंट्री कर सकते हैं। हेडलैम्प्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलते हैं एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो वाइट लाइट फेंकते हैं, और एलईडी डीआरएल्स और टर्न इंडिकेटर्स। नीचे आप देख सकते हैं तो एक ब्लैक सराउंड के साथ आपको मिलते हैं हेलोजन फॉग लैम्प्स। ग्रिल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एक फ्लूइडिक डिजाइन में ग्रिल, जिसमें बीच में आपको मिलता है सुजुकी का लोगो। ग्रिल की तरफ आपको मिलती है एक क्रोम सराउंडिंग और नीचे आपको मिलती है एक स्किड प्लेट। अब आते हैं टायर की तरफ। तो टायर्स आपको मिलते हैं 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील, जिसकी प्रोफाइल आपको मिलती है 195/55R16। अब बढ़ते हैं ORVM की तरफ। तो आपको यहाँ पे मिलते हैं ORVM टर्न इंडिकेटर्स के साथ, और ये ऑटो फोल्डेबल भी है। डोर हैंडल्स की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं विद रिक्वेस्ट सेंसर ऑन इट। बी और सी पिलर आपको ब्लैक थाउटी मिलेंगे। इसकी लेंथ आपको मिलती है 3995 mm। दोनों विंडो पे यहाँ आपको मिलती है एक क्रोम गार्निशिंग, और एक पीछे आपको मिलता है रियर क्वार्टर ग्लास। अब पिछले टायर के पास आते हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको मिलते हैं अपोलो के टायर्स, और यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलते। अब पीछे की साइड आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलते हैं एलईडी टेल लैम्प्स, रिवर्स लाइट और इंडिकेटर्स। ऊपर आप देख सकते हैं आपको मिलता है एक माइक्रोवेव एंटीना, शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता। उसके नीचे आपको मिलता है एक हाई माउंट स्टॉप लैम्प, आपको मिलता है एक रियर वाइपर और डिफॉगर्स, और आपको मिलती है बूट पे एक क्रोम गार्निशिंग। बलेनो की बैजिंग सुजुकी का लोगो। जेटा वेरिएंट में आपको रियर पार्किंग कैमरा नहीं मिलता। रियर पार्किंग सेंसर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, जो आपको हेल्प करेगी इस कार को पार्क करने के लिए। बूट ओपन करके देखते हैं कितना स्पेस ऑफर करती है बलेनो। तो यहाँ पे आपको डिसेंट साइज का एक बूट मिल जाता है, जिसकी कैपेसिटी है 339 लीटर्स की। काफी वेल शेप बूट लगता है ये। और सीट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है 60/40 स्प्लिट व्यू, जिसे आप बेंड करके अपनी बूट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। आपको मिल जाता है एक रियर पार्शियल शेल्फ। और स्पेयर टायर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एक साइज कम का स्पेयर व्हील, जिसकी प्रोफाइल आपको मिलती है 185/65R15। ये स्पेयर व्हील एलॉय नहीं होगा। यहाँ पे आपको बूट बंद करने के लिए ऊपर एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है, तो कुछ इस तरह आप कर देंगे इसका बूट बंद। और बढ़ते हैं इसकी फ्यूल लिड की तरफ। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस कार की मिल जाती है आपको 37 लीटर्स की। और सेफ्टी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है ABS प्लस EBD, ड्यूअल एयरबैग्स एंड इंजन इमोबिलाइजर, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट। यूरो एनकैप ने इस कार का क्रैश टेस्ट किया था, जिसमें इसने स्कोर किए थे 3 स्टार्स। तो बढ़ते हैं इसकी रियर सीट कंफर्ट की तरफ। तो इतना कुछ इसका खुलता है डोर। तो बैठ के देखते हैं इस कार में क्या स्पेस ऑफर करती है ये कार। तो आप देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट नी रूम मिल जाता है आपको इस कार में। और फीचर्स की बात करते हो तो ऊपर आपको मिल जाता है एक रीडिंग लैंप, नीचे आर्मरेस्ट के पीछे आपको मिल जाएगा एक 12V का सॉकेट और कुछ रखने के लिए स्पेस। डोर्स में आपको स्पीकर्स और बॉटल रखने के लिए स्पेस, और रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और इस तरह दिखता है इसका बूट। पर आपको मिल जाएंगे ग्रैब हैंडल्स विद अ कोट होल्डर। आपको इस कार में कोई हैंडरेस्ट ऑफर नहीं किया जाता है, और फ्रंट में भी आपको मिलते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और कुछ ऐसा दिखता है इसके इंटीरियर। पीछे से आपको यहाँ पे मिलते हैं हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, और इस कार में आप 3 लोगों को आराम से बिठा सकते हैं, इतनी स्पेशियस है ये कार, और काफी स्पेस ऑफर करती है इस सेगमेंट में ये कार। अब बढ़ते हैं फ्रंट की तरफ। तो ये मिलती है आपको एक स्मार्ट कीलेस एंट्री की फॉब। खोलते हैं इसका दरवाजा तो आपको यहाँ पे मिलता है एक रिक्वेस्ट सेंसर, जिसे आप कार ओपन कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है इसका इंटीरियर, फुल ब्लैक इंटीरियर मिलता है आपको। डोर पे हमें सॉफ्ट टच का मटेरियल फैब्रिक मिलता है। और स्विचेस की बात करते हैं, ऑल 4 पावर विंडोज, ORVM से रिलेटेड कंट्रोल्स, नीचे बॉटल रखने के लिए स्पेस और एक स्पीकर मिल जाता है। तो चलते हैं इसकी इंटीरियर में, देखते हैं क्या ऑफर करते हैं फीचर्स ये कार। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पे AC वेंट, इस तरह कुछ दिखता है इसका स्टीयरिंग, जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑडियो कंट्रोल्स और कॉल उठाने के कंट्रोल, एयरबैग की बैजिंग। और आप देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जहाँ पे बीच में आपको मिल जाता है एक TFT स्क्रीन, और इससे आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रिप सेट कर सकते हैं, और काफी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है ये MID।
लेफ्ट में आपको मिल जाएगा टैकोमीटर, राइट में स्पीडो, लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगी वाइपर के कंट्रोल्स और राइट में लाइट के कंट्रोल्स। और आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ऐसे इंटीरियर। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 7 इंच का टच स्क्रीन जो एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले सपोर्ट करता है, और टच काफ़ी स्लीक है इसका। नीचे आपको मिल जाएंगे हैजार्ड लाइट के स्विच और ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन। उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलते हैं कुछ स्पेस और 12V का चार्जिंग सॉकेट, 2 कप होल्डर्स, और ये मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ी है जिसमें आपको मिल जाएगा 5 गियर्स, और ये ऑप्शन सीवीटी के साथ भी आता है। आपको पीछे मिल जाएगा एक मैनुअल हैंड ब्रेक। सनराइजर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको एक टिकट होल्डर, बीच में आपको मिल जाएगा ऑटो डिमिंग IRVM। लेफ्ट साइड के सनवाइजर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक वैनिटी मिरर। अब हम बढ़ते हैं नीचे के ग्लव बॉक्स की तरफ। तो ग्लव बॉक्स आप देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट साइज का है, थोड़े मैनुअल्स भी रखे गए हैं यहाँ पे। कूल ग्लव बॉक्स नहीं मिलता आपको। अपोल्स्ट्री की बात करते हैं तो कार में आपको फैब्रिक की अपोल्स्ट्री मिलती है। हैंड रेस्ट की बात की जाए तो इसमें आप कुछ रख सकते हैं, और ये हैंड रेस्ट स्लाइड नहीं होता है। तो कुछ ऐसा दिखता है इसका ओवरऑल इंटीरियर। फुल ब्लैक इंटीरियर मिलता है आपको इस कार में। आप इस इंजन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से आप इसका बोनेट ओपन कर सकते हैं। और इंजन के बारे में बात की जाए तो ये इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का VVT पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 83 हॉर्स पावर एंड 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। काफ़ी रिफाइंड है ये पेट्रोल इंजन और काफ़ी साइलेंट भी है। माइलेज की बात की जाए तो ये इंजन आपको 21 KMPL मैनुअल में और 19 KMPL CVT में रिटर्न करेगी। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो एक्स शोरूम गोवा में पेट्रोल जीटा आपको पड़ जाएगा 7,33,948 का, और ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगा 7,80,355 का। और इस कार के बारे में और जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं नेक्सा सवगुले, जिसकी डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे दे दी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।